एक लड़का जब कैडेट बनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उस दिन उसका सपना पूरा हो जाता है। और इस तरह से एक कैडेट की कहानी शुरू होती है। कैडेट का एनडीए में पहला कदम उसकी सपनों की ओर ले जाता है। इसकी बड़ी बड़ी इमारतें, इतना खूबसूरत जगह, पशु पक्षी से लेकर सभी जानवरों की आवाज़, आहा, और साथ ही एकेडमी क्लासेस और थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग मानो शरीर में एक ऊर्जा और एक योद्धा की फीलिंग उत्पन्न कराती हो। सुबह सुबह की मॉर्निंग रोल कॉल के बाद कैडेट्स का होता है मॉर्निंग मस्टर्ड। यहाँ हमारी प्रेजेंस मार्क होती है और ये हमारे लिए प्लेयर की तरह होती है। सभी कैडेट्स अब पैरेड ग्राउंड में अपनी जाबाजी दिखाते हैं। जब हाथ से हाथ, पैरों से पैर और कंधे से कंधे मिलते हैं, तब उनकी पैरेड की सुंदरता उभरती है। और इस तरह से हर रोज इनका पैरेड सेशन होता है। कैडेट इतनी जल्दी भागते हुए अब कहाँ जा रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। हमें एकेडमिक क्लासेस जाना होता है, इसलिए हम सभी, चाहे जूनियर हो या सीनियर, परेड के तुरंत बाद फ्रेशअप होकर सुबह का नाश्ता करने जाते हैं, ताकि हमारी एकेडमिक क्लासेस न छूटे। इसलिए हम अभी थोड़े जल्दी में हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, यानी ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। एनडीए में कैडेट्स को बैचलर और बीटेक की डिग्री प्रदान की जाती है, जहां उन्हें बीएससी, बीए और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्राप्त होती है। पढ़ाई लिखाई के साथ कई दूसरे देशों का भाषा भी सीखने को मिलता है, क्योंकि ये दूसरे देशों के साथ बातचीत करते हैं। यहाँ एनडीए में विदेशी भाषाएं जैसे चाइनीज, अरबिक और फ्रेंच सिखाई जाती है। इससे उन्हें दूसरे देशों के साथ बातचीत करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं इंडिया की इस बेहतरीन एकेडमी में एडमिशन कराना, तो आपको भी अन एकेडमी टीचर्स के साथ थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट टीचर्स, वो भी डेप्थ स्पेशलिस्ट, ऑफलाइन से बेहतरीन फैसिलिटीज, वो भी एनिमेशन के साथ, और कोर्सेज फी भी काफ़ी रीजनेबल। एनिमेटेड क्लासेस, यानी लर्निंग का न्यू एड्रेस। आजकल कॉन्सेप्ट भी समझने लगा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप एनडीए या एसएसबी कोर्सेज लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना होगा, फिर आपको प्राइस दिख जाएगा। अगर आप इसमें VSC10 रेफरल कोड लगाते हो, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्सेज में। दिस ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम अनअकैडमी, सो यू मस्ट गो थ्रू इट। NDA 2 का आज़ादी बैच चल रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जैसे 20% डिस्काउंट ऑन NDA प्लस SSB। तो जल्दी करें, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। मैप रीडिंग सेड, दोपहर 3:30 हो रहे हैं। 50 डिग्री का तापमान और सेड के अंदर बैठने के बावजूद भी छठे टर्म के कैडेट इस पहाड़ी वाले इलाकों में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनके इंस्ट्रक्टर इन्हें जंग के बारे में बताते हैं और यहाँ सीखे गए तकनीकों को बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कैडेट्स को मिलिट्री के ट्रेनिंग में भी माहिर बनाया जा सके। और इन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हथियार चलाना, जंग लड़ना, लोगों का नेतृत्व करना, इसके लिए इन्हें ना सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि इन्हें पहले उनकी थ्योरी सिखाई जाती है और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और मिलिट्री फोर्सेस में एक सिद्धांत सिखाया जाता है, जिसे कहते हैं स्कॉलर वॉरियर, मतलब एक योद्धा होने के साथ एक स्कॉलर भी होना चाहिए। एनडीए का कुछ खास फैक्ट। पहला, कैडेट मेस, खाने पीने और उठने बैठने के सही नियम में से भोजन करना होता है। यहाँ की एक खास बात, यह मेस एशिया का सबसे बड़ा मेस है, जहाँ 2100 कैडेट एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। दूसरा फैक्ट है स्क्वाड, नाम तो सुना होगा, यानी 4 कैडेट का एक समूह, और ये कहीं भी किसी काम से जाते हैं तो इन्हें स्क्वाड बना के जाना होता है। स्क्वाड लर्नर, छठे टर्म में कैडेट्स को उसके चुने गए ट्रेड एकेडमी के विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ इनकी थ्योरी की क्लासेस होती है, फिर प्रैक्टिकल कराई जाती है। और आखिर तक कैडेट इस एकेडमी में जो चीज़ का पालन करते हैं, वो है डिसिप्लिन, क्योंकि इस डिसिप्लिन के वजह से ही वो सारी कड़ी ट्रेनिंग को पार कर एक योद्धा बन पाते हैं।
और साथ ही कैडेट्स अपने सीनियर से प्रेरणा लेकर ही ट्रेनिंग के कड़े इम्तिहान को पार कर पाते हैं। और इसी तरह की ऊर्जा के लिए कैडेट्स को उनके सीनियर उन्हें एंटी क्लासरूम पहुंचने का आदेश देते हैं और वहां इन्हें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह से वे अपने स्क्वाड्रन के जोश को बरकरार रखते हैं।